खबर मध्य प्रदेश के सागर जिले के बंडा से जुड़ी है, जहां पर नेशनल हाईवे 86 पर बंडा के पास तेज रफ्तार बस ने बाइक चालक को टक्कर मार दी। बस की टक्कर में बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल अवस्था में बाइक चालक को परिजनों द्वारा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंडा इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बंडा में इलाज के अभाव में बाइक चालक की मौत हो गई। बाइक चालक की मौत होने के बाद गुस्साए परिजनों ने शव रखकर NH 86 पर जाम लगा दिया। मौके पर पहुंची पुलिस और प्रशासन के अधिकारियों की समझाइश के बाद परिजनों ने जाम खोला। इस पूरे मामले में SDM अखिलेश जैन का कहना है कि जिसको लेकर लोगों में असंतोष था, लोगों से चर्चा में सामने आया है कि यहां स्वास्थ्य और यातायात की थोड़ी समस्या है। स्वास्थ्य विभाग में जो ड्यूटी पर थे डॉक्टर, उनका रवैया ठीक नहीं है, वह संवेदनशील भी नहीं है। गजेंद्र लोधी, खबर एक्सप्रेस न्यूज, बंडा। सर आपका क्या नाम है? सर जो एक एक्सीडेंट हुआ है, मृत हुआ, उनके परिजनों ने आप पर आरोप लगाया है कि वो व्यक्ति यहाँ पर उसकी पल्स चल रही थी, लेकिन यहाँ प्रशासन का अस्पताल प्रबंधन का ट्रीटमेंट नहीं करने से उसकी मृत्यु हुई। अच्छा, 108 में ब्लड बढ़, लेकिन परिजन तो कह रहे हैं कि यहाँ अस्पताल की हम खुला जाम लगा था, पर क्या बुरा गया? आज एक दुखद दुर्घटना में श्री अरुण जैन की आकस्मिक डेथ हो गई, जिसको लेकर लोगों में असंतोष था। तो यहाँ लोगों से बातचीत और चर्चा में ये बात सामने आई कि यहाँ पर स्वास्थ्य की और यातायात की थोड़ी समस्याएं हैं। एक तो यातायात को लेकर के प्रॉपर रोड ब्रेकर और उनके साइनेज की थोड़ी सी समस्या सामने आई, प्लस स्वास्थ्य विभाग में भी डॉक्टर का जो ड्यूटी पर थे डॉक्टर मंतिले, उनका रवैया संवेदनशील भरा हुआ नहीं था। तो उनके सभी के परिजनों से भी बात की और प्रारंभिक रूप में यह देखा जा रहा है कि डॉक्टर के प्रति असंतोष है, इसलिए कलेक्टर महोदय से चर्चा करके उनको यहां से स्थानांतरित किया जाएगा। सुखाई नोटिस देकर संबंधित से जवाब लेकर कार्रवाई की जाएगी। पीड़ित परिजनों के द्वारा कुछ सहायता राशि की मांग भी की गई है, तो उसके लिए भी विधिवत प्रस्ताव तैयार करवा करके जिला स्तर के माध्यम से ऊपर प्रेषित किया जाएगा।